स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम दौलत राम कॉलेज की कट ऑफ देखने वाले हैं, फर्स्ट कट ऑफ 2020 की, और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो दौलत राम कॉलेज की जो फर्स्ट कट ऑफ है, मैं आपको बता दूँ, दौलत राम कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि नॉर्थ कैंपस में है। तो इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ है वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, जनरल के लिए 97 है, OBC के लिए 96 है, वहीं SC के लिए 92.25 है, ST के लिए 92.25 है, PWD के लिए भी इतनी ही है और EWS के लिए 97 है एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 96 है। वहीं इंग्लिश ऑनर्स की बात करी जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, तो इसमें क्या है कि 97.5 कट ऑफ है, और OBC के लिए 96.5 है, और SC के लिए 94.5 है, ST के लिए 94.5 है, PWD के लिए भी 94.5 है, और EWS के लिए 97.5 है एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो है 96.5 है। हिंदी ऑनर्स की बात करी जाए तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम गई है, जनरल के लिए 84 है, OBC के लिए 82 है, SC के लिए 80 है, ST के लिए भी 80 है, PWD के लिए भी 80 है एंड EWS के लिए 84 है और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 82 है। इसी तरह अब हम कुछ मेन मेन कोर्सेज पे नज़र डालते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है 96.5 जनरल की कट ऑफ है, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। और फिलॉसफी की 91% है जनरल के लिए कट ऑफ जो गई है, पॉलिटिकल साइंस की 97 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं साइकोलॉजी की 98.5 है, ये मुझे लगता है अभी तक की इसकी हाइएस्ट है 98.5। संस्कृत के लिए आप एडमिशन लेना चाहो तो आप 65% पे ले सकते हैं, अगर आपकी 65% है आपका हो जाएगा दौलत राम कॉलेज में। BCom की बात करी जाए तो 96% पे एडमिशन होगा आपका जनरल का, और BCom ऑनर्स के लिए 97% चाहिए आपको जनरल के जो फर्स्ट कट ऑफ है उसमें। बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स है 96% इसका है जो मतलब कट ऑफ परसेंटेज, बोटनी के लिए 93.66 है, वहीं केमिस्ट्री के लिए 97.66 है, मैथमेटिक्स के लिए 96.5 है, और कैटेगरी वाइज आप और भी देख सकते हैं इसको पॉज करके। और फिजिक्स के लिए 97 है फिजिक्स ऑनर्स का, जूलॉजी ऑनर्स है 96, और लाइफ साइंस प्रोग्राम जो है BSc प्रोग्राम लाइफ साइंस, इसके लिए 95% कट ऑफ है। और सारी कैटेगरियाँ लिखी हुई है, मैंने आपको कट ऑफ देखना भी सिखाया हुआ है, इस साइड कोर्स है, राइट साइड आपकी कैटेगरी, ऊपर की साइड में जो लिखी हुई है और आपके कट ऑफ के मार्क्स जो मतलब परसेंटेज होते हैं वो लिखी हुई है। अगर आपकी मैच करती है, इतनी है या इससे ज़्यादा है तो आप एडमिशन ले लो, अगर आपकी कट ऑफ इससे कम है जितनी लिखी हुई है तो आपका एडमिशन अभी नहीं होगा। अब BA प्रोग्राम के बारे में कट ऑफ देख लेंगे थोड़ी। BA प्रोग्राम दौलत राम कॉलेज में क्या रहा कि BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो जनरल को 95% चाहिए, OBC को 93, SC को 91, ST को 91, PWD को 91, EWS को 95 और कश्मीरी माइग्रेंट्स को 92। वहीं इंग्लिश प्लस हिस्ट्री का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो BA प्रोग्राम में तो 97% चाहिए आपको जनरल के लिए। आगे देखते हैं, BA प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस प्लस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो BA प्रोग्राम में इस कॉम्बिनेशन का तो 94% पे आपका हो जाएगा। BA प्रोग्राम हिंदी प्लस आपका फिजिकल एजुकेशन 84% पे एडमिशन जनरल को मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस में 84% पे एडमिशन BA प्रोग्राम में हो सकता है। और BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस में अगर हम देखें तो ये काफ़ी डिमांडिंग कॉम्बिनेशन रहता है हिस्ट्री पोल साइंस का, इसके 96.5 कट ऑफ गई है, OBC के लिए 95.75 है, वहीं आगे की कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं। आगे है BA प्रोग्राम म्यूजिक प्लस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की 87 कट ऑफ है, और फिलॉसफी प्लस साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन के लिए 96% कट ऑफ गई है, आप चाहो तो ले सकते हो। BA प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ 96.5 कट ऑफ है जनरल की, और BA प्रोग्राम संस्कृत प्लस म्यूजिक की 80% है जनरल की कट ऑफ। तो ये कट ऑफ्स मैंने आपको बताई। अब कट ऑफ आने के बाद क्या करना है आपको, डैशबोर्ड पे अपने लॉगिन करना है 12 अक्टूबर को, और आपको अपना कॉलेज एंड कोर्स को सेलेक्ट करना है, चूज करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और अपना फिर आपका क्या होगा, कॉलेज जो होगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई के बाद आपको आपकी पेमेंट ऑफ फीस के लिए एक लिंक मिलेगा, वो ईमेल आईडी पे मिल सकता है या आपको डैशबोर्ड पे भी लिंक मिल सकता है जहाँ से आपको फीस को भरना होगा। तो ये आपका प्रोसेस खत्म होता है यहाँ पे, और दौलत राम कॉलेज की कट ऑफ यहाँ पर समाप्त होती है। और भी कॉलेजेस की मैं जल्दी जल्दी आपको इंडिविजुअल कट ऑफ दिखाने वाला हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े, और तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।